हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज बोल्ट। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ नई और फ्रेश वेब सीरीज के बारे में जो अभी हाल ही में रिलीज हुई हैं। ये वेब सीरीज काफी अमेजिंग और काफी इंटरेस्टिंग है जो आपको बहुत पसंद आएंगी। इस लिस्ट की सभी वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल, इट मींस आपको इन्हें समझने में कोई भी समस्या नहीं होगी। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी फिफ्थ सीरीज है द बॉयज प्रेजेंट डायबॉलिकल, जो सीरीज आई है 2022 में। ये एक एनिमेशन एक्शन एडवेंचर सीरीज है। ये सीरीज द बॉयज सीरीज का एक स्पिन ऑफ एनिमेटेड वर्जन है। इस सीरीज के हर एपिसोड को एक अलग राइटर ने लिखा है, जिस वजह से आप जितनी बार इस सीरीज को देखते हैं, इतने एपिसोड्स को देखते हैं, आपको हर बार कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता है। इसके एनिमेशन स्टाइल में भी थोड़ी चेंजेस आपको हर एपिसोड में देखने को मिलते हैं। इस सीरीज के अंदर आपको बहुत सारा खून खराबा देखने को मिल जाएगा। आपको कहीं से भी ये सीरीज एक एनिमेटेड सीरीज नहीं लगेगी, आपको एक लाइव एक्शन सीरीज की तरह ये सीरीज एंटरटेन करेगी। इस सीरीज के टोटल 8 एपिसोड है, लेकिन अभी तक अमेजोन प्राइम पे सिर्फ 7 एपिसोड रिलीज किए गए हैं। 8वां एपिसोड अभी तक रिलीज नहीं किया गया। उसके बारे में नहीं बताया कि एपिसोड क्यों रिलीज नहीं किया गया है। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल, आप इसको अमेजोन प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं। इसको रेटिंग 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट सीरीज है पीसेस ऑफ हर्ट, जो सीरीज आई है 2022 में। ये क्राइम ड्रामा मिस्ट्री सीरीज है। सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की, जो अपनी मॉम के साथ मार्केट जाती है, पर वहां पे इसकी मॉम के ऊपर और इसके ऊपर कुछ लोग अटैक कर देते हैं, जिसके बाद ये अपनी मॉम का एक अलग रूप देखती है, क्योंकि इसकी मॉम बड़े आराम से उन सभी लोगों को चारों खाने चित कर देती है, जिसके बाद इसको काफी आश्चर्य होता है अपनी मॉम को इस तरह के स्टंट्स करते हुए देखकर, क्योंकि इसको नहीं पता था कि इसकी मॉम ये सब भी जानती है और अपनी मॉम के पास्ट के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहती है। आगे क्या करती है आप इस सीरीज के अंदर देखिए। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल, आप इसको नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसको रेटिंग्स में 6.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट सीरीज है मैक्स एंगर विथ वन आई ओपन। ये सीरीज आई थी 2021 में। ये एक थ्रिलर सीरीज है। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है मैक्स एंगर नाम के एक फॉर्मर स्वीडन मिलिट्री मेंबर की, जिसे अपनी एक कलीग, जो एक रशियन कलीग होती है, उससे प्यार हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लगते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से सेंट पीटर्सबर्ग से इसकी गर्लफ्रेंड गायब हो जाती है, जिसका पता लगाने के लिए ये एक मिशन पे निकलता है ताकि ढूंढ सके अपनी गर्लफ्रेंड को। इसकी गर्लफ्रेंड के साथ क्या हुआ है वो आप इस सीरीज के अंदर देखिए। सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 6.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट सीरीज है वाइकिंग्स वल्हाला। ये सीरीज आई है 2022 में। ये एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा सीरीज है। इस सीरीज के अंदर में वाइकिंग सीरीज के 100 साल बाद की कहानी देखने को मिलेगी, जहां पे इंग्लैंड में रहने वाले कुछ वाइकिंग्स को वहां का राजा मार डालता है, जिसके बाद सभी वाइकिंग्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो लोग लंदन पे आक्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं। साथ ही साथ इस सीरीज के अंदर में एक और प्लॉट देखने को मिलता है, जिसमें एक लड़की अपना बदला लेना चाहती है। ये सीरीज एक काफी अच्छी एक्शन सीरीज, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। इस सीरीज के अंदर बहुत सारा खून खराब है, इसलिए आप इस सीरीज को अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल भी ना देखें। इस सीरीज को रेटिंग 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। आप इस सीरीज को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हमारी फर्स्ट सीरीज है मिडनाइट एट द पैरा पैलेस, जो सीरीज आई है 2022 में। ये एक टर्किश सीरीज है। ये एक ड्रामा हिस्ट्री मिस्ट्री सीरीज है। इस सीरीज के अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक जर्नलिस्ट की, जिसे कुछ काम से पैरा पैलेस आना पड़ता है, लेकिन रात में वहीं पर रुक जाती है क्योंकि इसको वहां पर काफी अच्छा लगता है। लेकिन रात भर में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से टाइम ट्रेवल करके 1920 में पहुंच जाती है और हमें उसी समय की एक बहुत बड़ी मर्डर मिस्ट्री सीरीज के अंदर देखने को मिलती है। आगे क्या होता है आप इस सीरीज के अंदर देखिए। सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। आप इसको नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में। सीरीज को रेटिंग्स में 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।